वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मेरे सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में हमें हमारा था। ये मेरा यूट्यूब चैनल हमारा पर जिसमें किस वक्त आप लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब लाइक कर दें कमेंट कर दें शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब। अभी आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जो जो होता रहेगा मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, मैं ब्लॉग को स्टार्ट करते फिर बात करती हूँ। बहुत दिनों बाद जा रही हूँ अपनी देवरानी के चूहे नजर आया आप लोगों को चूहे अभी कहाँ बैठे हो अभी पकड़ूंगी और उनको पकड़ के नीचे लाऊंगी। इन्होंने मुझे देख लिया है और अब जो है ये मेरे ऊपर जाते के साथ ही नीचे उतरने की करेंगे। तो इसने ना मुझे बड़सम से मुल्की जाने हुई है, अभी मैं जाने की तैयारी करी थी तो मैंने कहा चलो आज ब्लॉग भी बना लेते हैं चलते चलते। आए हैं छत पर और उनको जाके लेकर आते हैं। और काफ़ी अर्से बाद मैं घर से कहीं जा रही हूँ, जब जाना आना हर जगह छोड़ा हुआ है, सिर्फ घर में होती हूँ, घर के काम धाम शाम यही कर चलते रहते हैं। ये मेरी छत है, पहले भी आप लोगों ने बता देखी, मुझे देख लिया था कि मैंने लेने आ रही हूँ। ये बैठते हैं, इनकी जगह चेक करें, इतना फेवरेट स्पॉट है इनका ये बना हुआ, जाइए बैठते हैं। और इधर ये देख कितनी बड़ी यहाँ पर कील भी लगी हुई, अब ये भागा है नीचे, इसको ये है कि मैं नीचे भाग जाऊँ। चले जी ते नीचे लेके चलते हैं घर में, क्योंकि ये यहाँ बैठता है तो डर ही लगा रहता है, बंदा छोड़े चलो क्योंकि ये जो है इसका करते। चलिए इनको पकड़ के घर में लेके चलते हैं, कपड़े निकालते हैं, सही करते हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं। तो जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो लोग भी प्लीज़ सब नमाज पढ़ लें, जो जो शाम की भी अदा हो रही है। घर में कपड़े निकालते तैयारी करते हैं और चलते हैं अपनी जगह जहाँ जा रहे हैं। यहाँ ये हयाबाजी कहाँ गई, हयाबाजी रेडी हो गई है। ये देखिए इन्होंने कितना प्यारा सा ड्रेस पहना है, ड्रेस दिखाओ, ये हया का ट्राउज़र है और ये हया का ट्राउज़र है, बाबा की पैंट पड़ी है और ये है कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है। क्या बना? कौन है ये? एनिमल, एनिमल, एनिमी, एनिमी बना हुआ है। तो ये है की शर्ट पे एनिमी बना हुआ है और मैं अब क्योंकि मैं अभी तक नाइट सूट में ही घूम रही हूँ, अभी हम कपड़े चेंज कर लूँगी अलमारी में से और चुचू भाई को मंदिर लेकर आ गई थी। पहले हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज बाद हम कपड़े निकालते हैं। ओके जी, हाँ जी गाइस, तो ये देखें मैंने अपने कपड़े निकाले हैं। ये मैं कोई 3 महीने पहले सूट खरीद के लेकर आई थी लेकिन ये मेरे मुझे था तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं। हल्का फुल्का सा सूट है, लिनन का कपड़ा है, पता नहीं चढ़े और हल्का फुल्का सा सूट है। ये किसने मोबाइल ऑन किया हुआ है, ऑफ़ करो भाई से। मैंने फिर मेरी अम्मी होती थी ना पहले तो ऐसा होता था कोई ट्राउज़र छोटे हैं कुछ है कोई मसला है तो उस पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगवा लेती थी या उसकी लेंथ बढ़वा लेती कुछ भी। तो अभी ये मैंने अपनी खाला को दिया था अपनी अम्मी के इंतकाल के दिनों में, आप ये कर दिएगा कुछ लगा दिएगा, काला कपड़ा लगा दिया कुछ भी, तो खाला ने इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए बेल लगा दी। फिर खाला ही रह जाती हैं जो आपकी दूसरी माँ बन देती हैं, मतलब आप उनसे अपने दुख सुख शेयर कर सकते हैं सर। मैंने कहा चलो ये कपड़े पहन लेते हैं, इसके साथ हमने कहा ये ब्लैक दुपट्टा ले लेंगे, काम चल जाएगा। आजकल में तो ये ब्लैक अपर मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने कहा ये पहन लूँगी इसके ऊपर सर्दी का बचाव हो जाएगा। वैसे ये मेरा मेरे बेटे का उसके लिए लाई थी लेकिन उसके बजाय मैं पहनती हूँ। अच्छा देखें हमारे यहाँ बिल्ली है ना, बिल्ला है ना, तो ये देखें काला कपड़ा तो वैसे भी डस्ट पकड़ता है और इस पर चूचू भाई का खूब बाल होता है, हम बस यहाँ दिन बालों वैसे इधर भी सब होते होंगे लेकिन ये लाइट कलर दें तो इसलिए पता नहीं चलते। अच्छा जी, मैं जो आप लोगों को एक चीज़ दिखानी थी मैं लेकर आई, मैंने मंगाया था दराज से एक फेस वॉश और शैम्पू, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वॉश दिखाती हूँ। ये है फेस वॉश, ठीक है जी, ये है मैक का फेस वॉश, ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मतलब कि मुझे तो एलोवेरा वाला चाहिए था, मेरे पास इसका वाइटनिंग फेस वॉश भी है, वो मैंने बेटी को दे दिया, वो यूज़ कर रही है। मुझे ना एलोवेरा क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो उस पर एलोवेरा काम करता है तो मैंने मंगाया भाई, ये बहुत वाइटनिंग फेस वॉश ही है लेकिन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स में ये फेस वॉश है। और इसके अलावा हम मैंने इसका इसी का शैम्पू है, आप लोगों का अगर इसराइली प्रोडक्ट्स बायकॉट कर रहे हैं यूज़ करें ये फेस वॉश यूज़ करें, और इसी का ये शैम्पू बहुत अच्छा शैम्पू है, इसका रिजल्ट इतना अच्छा है। ये टिकटॉक उस पर यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर वगैरह की रिकमेंडेशन पे मंगाया मैंने, जब हमने इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ है हम ये यूज़ करके देखते हैं बहुत अच्छा। ये मेरे ख्याल से 400 का मिला था मुझे, 360 ml, ये 8400 समथिंग इस तरह कुछ करके दोनों मुझे मिले थे 850 रुपये के डील के साथ, 330 का ये फेस वॉश है और मैं ये 530 तक का कुछ करता मिला था क्योंकि 360 ml है। और इसी रेट में अगर के जो इसराइली हैं जो जिनका हमने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया हुआ तो वो महंगे हैं। चलो मैं आपको इसलिए अभी मेरी बेटी ने अपने बाल वॉश किए तो मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ, नाइट सूट में घूम उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। हया कहाँ है ये देखिए, इन्होंने बाल मार लिए, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाने आई थी। अब हया बाजी आपको बाल खोलने पड़ेंगे वापस, क्यों? मैं आपको इनका इसका रिजल्ट दिखाई थी माशाल्लाह से, देखिए अरे माशाल्लाह से इससे बाल हो जाते हैं
और ये देखें हया ने खुद ही, और इतने मज़े से ये ब्रश भी कर लेती है, वरना इसको ना ब्रश वगैरह करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मम्मा उलझ रहे हैं। लेकिन ये देखें हया अभी रुको, इसे खुद ही ब्रश कर लिया बगैर कंडीशनर वगैरह यूज़ किए, और कितना प्यारा बाल है माशाल्लाह नहीं लगाएगा माशाल्लाह बोल दिएगा नज़र ना लगे। तो ये देखें ये हया के बाल इस शैम्पू से बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैंने भी यूज़ किया था काफ़ी, ये ना आपके बालों हल्की और थोड़ा ना वॉल्यूम वाइज कर देता है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है। चले जी तैयार शैयार होते फिर आप लोगों से मिलते हैं। हम रेडी होने लगे थे, ये देखें ये है मेरी अम्मी की चप्पलें, ये मेरी अम्मी की चप्पलें हैं जो मैं पहन रही हूँ, ये मैंने ली थी अम्मी की चप्पलें, मतलब अम्मी के इंतकाल के बाद राइट में था, अम्मी की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो मैंने ज़्यादातर अम्मी की चप्पलें ही ली थी क्योंकि अम्मी के कपड़े मुझे नहीं आने थे, तो मैंने चप्पलें ली थी। अभी ये ड्रेस मैंने पहन के, अभी मैंने ये ड्रेस पहनना है तो ये ड्रेस मैंने पहन ली, अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ उस कमरे में, रेडी वेडी होते हैं फिर निकलते हैं दोस्त अपनी। तो चले मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ रेडी हो चुकी थी, और ये देखें चूचू भाई यहाँ पे कैसे सो रहे हैं। जी चूचू भाई क्या चाल है, जो टिकटॉक पे मुझे फॉलो करते हैं मैं जानते हैं मेरे चूचू भाई बहुत मशहूर है, चूचू भाई तो सेलिब्रिटी चूचू भाई है मेरे, ये सो कहते रहे ठीक है आप लोग इसको, ये देखिए हैं जो टिकटॉक पर भी हैं तो वह जानते हैं, हाँ भाई ये मुझे ज़्यादा प्यार व्यार नहीं करने देता अपने आप को। चले जी हम रेडी हो रहे हैं, कि मैं भी बस रेडी होने आई हूँ, मैंने कहा सामान निकाल लें अपना मेकअप शेकअप का, थोड़ा बहुत लगा टेंट ऑफ हल्की सी बीबी क्रीम लगा लेते हैं। तो चलिए जी पूरे रेडी होते हैं फिर रेडी होकर आप लोग से मिलते हैं। इसके साथ काफ़ी अच्छी मैच हो गई है ड्रेस के साथ ना, देखें कितनी अच्छी मैच हो गई है, जबकि इसके साथ की है नहीं अच्छी मैच हुई है चप्पल भी। मैं भी रेडी होते हैं, मोबाइल थोड़ा चार्जिंग पे लगा दूँ, थोड़ा सा चार्ज हो जाए फिर हम निकलते हैं। हो गई हूँ रेडी, ये मैंने चप्पलें इसके साथ पहन ली थी, ये देखें ये देखें शॉल भी ले लिया और अपर भी पहन। गाइस मैं हो गई हूँ पूरी रेडी, पीछे मेरी पिक्चर आ गई, तो गाइस मैं हो गई हूँ पूरी रेडी, और यहाँ आया बाजी को मैंने रोने धोने चलने, और मेरा नाखून भी टूट गया यार, ये बड़ा मसला है ना नाखूनों का, टूट जाते हैं अचानक से, ये भी कट लगे और ये टूट जाते हैं, और फिर इसको मैं ऐसे ऐसे करके तोड़ देती हूँ। चलें जी हया रेडी है, चलें जी अब हम चलते हैं, चूचू भाई रेडी करते हैं लाइट्स ऑफ, और हमने कमरे में कर दिया अंधेरा, हया बाहर आ जाता तो मैं गेट बंद कर दूँ, हमने चूचू भाई चले आते मेरे कमरे में, यहाँ चूचू बैठे हुए हैं, यहाँ भी हया अपना मोबाइल उठा लो, हमें भी कर देते हैं अंधेरा, और चलो जी चले भाई चूचू भाई, ओके चूचू भाई बाय बाय, हम जा रहे हैं बैठे रहो, आज मैं अभी घर का गेट बंद करके जाऊंगी, तो चलो भाई अजान हम घर का लॉक कर देंगे, वरना ये थोड़ा सा दरवाजा खुलता है ये बाहर भागता है इधर में, चलो भाई बाय बाय बाय। चलें जी अब हम चलते हैं। अच्छा जी गाइस आज मैं जा रही हूँ बॉम्बे के साथ, मेरी गाड़ी गई है ऑफिस, अब गाड़ी में मैं यूँ भी जा रही कि वहाँ पार्किंग का इशू होता है, बेटे के साथ निकलेंगे बाइक पे, अपने पहुँच गए थे अपनी दोस्त कल देवरानी के मोहल्ले में, और क्या है फर्श जल गया है, ये है मेरे भाई का घर और अब मैं जा रही हूँ उसके घर, सोचूं भाई से सलाम दुआ करूँ फिर ऊपर जाऊँ, पहले भाई से सलाम दुआ करने लें, पहले अपने भाई से सलाम दुआ कर लेते हैं फिर चलते हैं ऊपर। चले जी हम यहाँ पहुँच गए हैं अपनी देवरानी के घर, ये है उसका किचन, देखें येलो और ब्लू ब्लू उसका किचन है, वो मैंने नहीं दिखाया, तो ठीक है मेरा चिली ड्राई मुझे भी ये अच्छा लगा था, ये मैंने उस दिन जुलसोया में खाया था, क्या मजे का यम था, और तुमने इसमें तिल डाले हुए, तिल में डालती है ना, और ये है हरी प्याज, आज हमने बनाया है हाफ डन, क्या है शाश्ला के बैठा हुआ है इतना नीचे यार बैठ गया ना नीचे, अभी बनेगा तो दिखा दिएगा, और ये है और ये फ्राइड राइस का काम धाम हो रहा है, मैंने चाइनीज भी खाया था, चलो चाइनीज किसने कहा चाइनीज बना लो, मैंने कहा ओके, और ये रही कुंदन, हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बिल्कुल ठीक, जो मेरे टिकटॉक में है वो यूट्यूब वाले भी करते। चले जी ये है इसका घर, ये यहाँ की लाइट, तो हम लाइट चला के दिखाते हैं, ये इसका ड्राइंग रूम है, बस यार सही है इतनी लाइट्स काफ़ी हैं, और ये डाइनिंग टेबल वगैरह ये हुरिया बैठी हुई है मेरी अपनी बेटी जो इसके घर आई हुई है, यहाँ हया बैठी हुई है, तो चले जी जब खाना तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो गाय ये कुंदुल का, कुंदुल ने जिसको शाश्वत बनाया था वो सूप बन चुका सूप तो उसको हम पी रहे हैं हम, और मैंने कहा चलो सूप के तौर पे पी लेंगे, चिकन चिली ड्राई तो मौजूद है ना, चाउमीन भी है तो खैर है, चावलों में डाल के खा सकते हैं मज़े से, यम यम लगता है, तो ये बेसिकली ये शाश्लिक था जो चिकन कॉर्न और सूप बन गया, तो अभी मैं ये पीने लगी हूँ यम यम सा, इसलिए ना हमारे लिए देखें मीठा बनाने से भागती है, मीठा बनाना पसंद नहीं है, तो ये गाजर का हलवा मंगाया भाई हमारी तरफ मिलता है, खैर रबड़ी एंड डेढ़ बड़ा जबरदस्त मीठे होते हैं इसके सारे, तो अच्छा मेरा गाजर का हलवा खाने का दिल भी चला था, अच्छा तो ये देखें गाजर का हलवा, और ये मेरी उंगली देख रहे हैं ये टिंट है, टिंट का निशान है, बड़ा मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार है, मैंने बनाया
पैकिंग ऐसी कर दी है कि मुझे बनाना ना पड़े, घर में ही बनाया बाजार का है। तो जो मुझे ये वाले मार्बल ना छोटा लग रहा है, उससे थोड़ा सा छोटा है जो मोबाइल मांग रहा है। रॉब लाइन में रख दिया, पासपोर्ट जो है ना चेक उम्र के लिए चेक। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा, ऐसे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल। ओके जी, टाटा बाय बाय।